वीडियो मेरी कक्षा 9th के स्टूडेंट के लिए है। चैप्टर 2 व्यवस्था ग्रह और परिवार के संदर्भ में। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि चैप्टर में व्यवस्था, यानी कोई भी कार्य हम करते हैं तो हम उसकी पूर्ण रूप से एक व्यवस्था पहले से ही तैयार करते हैं। तो इसमें गृह विज्ञान में जो चैप्टर है वो आपके घर और परिवार से संबंधित जो व्यवस्था बताएगी उसके बारे में बताया गया है। देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तो व्यवस्था का तात्पर्य है उचित प्रबंध से। मतलब हम कोई भी कार्य करने जाते हैं तो सबसे पहले उसका प्रबंध किया जाता है, चाहे वो कोई संस्था हो या समारोह या किसी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम हो, तो सबसे पहले उसकी रूपरेखा बना ली जाती है जिससे कि हमारा कार्य पूर्ण रूप से अच्छा हो जाए। अब गृह व्यवस्था का अर्थ है कि गृह व्यवस्था से तात्पर्य उस प्रक्रिया से जिससे परिवार के निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियोजित क्रियान्वित किया जाता है। पहले से एक योजना बना ली जाती है और उसके अनुसार ही एक उसे कार्य करने के लिए दिया जाता है। गृह व्यवस्था की परिभाषा, कोई भी क्वेश्चन पूरा करने के लिए हम परिभाषा लिखते हैं तो देखिए आपके उसमें दी है जीएस डार्सी के अनुसार, परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के स्रोतों या साधनों के प्रयोग हेतु किया गया आयोजन, नियंत्रण या मूल्यांकन है। मतलब कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहले एक योजना तैयार करी जाती है, उस पर नियंत्रण किया जाता है और उसका एक मूल्यांकन निकाला जाता है कि हम अपने पूरे कार्य को किस प्रकार डील कर सकते हैं। अब गृह व्यवस्था के उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई जाती है, उसके उद्देश्य क्यों है। तो सबसे पहले है गृह वातावरण को उत्तम बनाना। मतलब हम अपने घर को अच्छा कैसे बना सकते हैं। घर चलाना तो सभी जानते हैं, लेकिन घर को बहुत अच्छी तरीके से डील करना कैसे आता है, तो तभी आएगा जब हम इस विषय में अच्छी जानकारी रखेंगे। और आपको हम संस्कृत को ये पूरी जानकारी दी जाती है कि हम किन किन चीज़ों पर व्यय किस किस समय करें, है ना, और पूरी व्यवस्था बना कर रखें। तो गृह वातावरण को उत्तम बनाना, घर का वातावरण तभी अच्छा रहेगा कि जब सारी चीज़ें समय पर हमें प्राप्त हों, हम पहले से ही व्यवस्था बनाएं। जैसे कोई शादी होती है तो शादी के लिए पहले से ही व्यवस्था बना ली जाती है। अगर मान लीजिए एक कोई संस्था चलाई जा रही है तो संस्था के लिए प्रिंसिपल सबसे पहले नियुक्त करते हैं, टीचर के लिए वहाँ का प्रबंधक सर जो होते हैं वो सारे कॉलेज की व्यवस्था देखते हैं कि मतलब पूर्ण रूप से कोई चीज़ की कमी तो नहीं है। मतलब ये सब चीज़ किस पे, प्रबंधक और उसके ऊपर प्रिंसिपल के ऊपर होती है। तो पूरी संस्था को चलाने के लिए दो लोग जो होते हैं मैन होते हैं ना, उसी प्रकार घर को चलाने के लिए एक गृहिणी या उनके जो कर्ता होता है वो मैन होता है। पहले उनकी व्यवस्था बनाई जाती है, उसके बाद घर को, मतलब उसका व्यवस्था अगर बनाकर चलाते हैं तो घर का वातावरण उत्तम बनता है। दूसरा है सर्वांगीण विकास। अगर हम घर को पहले से ही, मतलब ये व्यवस्था बना ली जाती है कि हमारी आय कितनी है, कितना हमें खर्च करना है, क्या करना है, तो और किस किस पर खर्च करना है, तो इससे क्या होता है कि सर्वांगीण विकास, सभी को समय पर सब चीज प्राप्त हो जाती है। तीसरा है पारिवारिक आय का विवेकपूर्ण विवेकपूर्ण पारिवारिक आय। मान लीजिए किसी की आय मतलब 25,000 है या 30,000 है, तो वो अपने दिमाग से सोच कर ही करेगा कि मैं अपने बच्चों का एडमिशन कहाँ कराऊं, या कि मुझे स्वास्थ्य लाभ के लिए कहाँ ले जाना है, या कि देखो घर में कितना कितना खर्च करना है। तो क्या अपने विवेक से पहले ही आय के हिसाब से उसे व्यय करने की, यदि व्यवस्था करके चले तो व्यय करने की सोच आ जाती है। तीसरा चौथा है कार्यकुशलता। अगर उसने पहले ही अपने अच्छी तरीके से व्यवस्थित कर लिया होगा तो उसके जो भी कार्य करेंगे वो बहुत ही कुशलतापूर्वक हो जाएंगे। पांचवा है विश्राम तथा मनोरंजन। यदि हम किसी भी मतलब अपने घर को लेकर या किसी संस्था या समारोह को लेकर हम तैयार होते हैं, अगर पहले से ही एक योजना बनाकर एक व्यवस्था बनाकर चलते हैं
तो हमें कहीं भी परेशानी भागदौड़ ज्यादा नहीं करनी पड़ती है, पहले से ही उनका डिसाइड कर दिया जाता है कि इतना रुपया या इस जगह ये काम करना है, पहले व्यवस्था मंगा ली जाती है। तो देखो ज्यादा भागदौड़ नहीं होती है, तो विश्राम आराम से पूरा काम हो जाता है, और साथ साथ भी हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें मनोरंजन भी होता रहता है। क्यों, चाहे घर ले लीजिए, चाहे ऑफिस ले लीजिए, चाहे कोई अचानक आने वाले कोई भी समारोह, अगर व्यवस्था हमने पहले से कर रखी होती है तो हमें कभी भी डिसबैलेंस होने की जरूरत नहीं होती है। और जब डिसबैलेंस नहीं होते हैं तो मन भी हमारा फ्री रहता है और उस कार्य करने के लिए मनोरंजन भी बहुत होता रहता है। छठा है समाज सेवा। अगर हम ये सब बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, 5 पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, तो हमें टाइम मिलता है, ठीक है, समाज सेवा करने के लिए, और हमारा मन भी समाज की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि हम व्यवस्था करने में बहुत ही सक्षम हो जाएंगे। हमें जब रूल्स पता हो जाएंगे किसी भी प्रोग्राम को लेकर, किसी चीज को लेकर हम किस तरीके से डील करेंगे, तो हम समाज की सेवा भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों जे तो आपको थोड़ी सी अडिंग और है वो मैं आपको भेज रही हूँ रिटेन वर्क में, और आप इसकी पूरी डिटेल उससे प्राप्त कर लेंगे रिटेन वर्क से। बच्चों 9th की स्टूडेंट है, अब आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये 70 नंबर का पेपर होगा आपका और 30 नंबर का प्रोजेक्ट होगा होम साइंस में। तो आपको प्रोजेक्ट की एक फाइल चाहे तो नियरेस्ट बुक सेलर से ले लीजिए, जहाँ आपको मिल जाए प्रोजेक्ट की फाइल, तो होम साइंस की भी एक प्रोजेक्ट की फाइल बनानी है। उसमें आपको पहला प्रोजेक्ट बनाना है वायु प्रदूषण, तो कम से कम उसमें 4 या 5 पृष्ठ होते हैं, उसे फुलफिल करना है। तो उसके लिए सामग्री में बता दूँ, साहित्य भवन पब्लिकेशन की अगर बुक ले रहे हैं तो उसमें है पेज नंबर 103 पर दे रखा है वायु प्रदूषण का, नहीं तो 9th तक आप आ चुके हैं, तो प्रदूषण के कार्य प्रभाव तथा रोकथाम के उपाय आप सामग्री देख सकते हैं। तो आपको प्रोजेक्ट बनाकर कॉलेज में जमा करना होगा, ठीक है। इसके साथ मैं कल आपको रिटेन वर्क भी पहुंचा दूंगा।